हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह के बुरहान, कहारियों कफारियों कुद्दूसियों जबरूद, ये चार अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। मोहतरम सामईन इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजूए सुगंध पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है इकबाल तेरे देश का क्या हाल हुआ है। यूं तो तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो? जनाब सदर, शायर मशिक, हकीमुल उम्मत, मदद मोमिन डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार किया। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को शहर सियालकोट में पैदा हुए। उस रोज इकबाल नहीं बल्कि ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया जो आज के दौर में एक अजीम हस्ती जानी जाती है। इज्जत-ए-नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, इज्जत-ए-नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहती हूँ, डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहती हूँ, मुझे सूली न जंदानों से डर लगता है, मुझे सूली न जंदानों से डर लगता है। जनाबे सदर, वतने अजीज के हुक्मरान हाथ में कशकोल लिए हर वक्त भीख मिलने के हालात का इंतजार करते रहते हैं, बल्कि हमारी आइंदा आने वाली नस्लों को गदागरी जैसी शर्मनाक आदात से मुतारिफ करवाया जा रहा है। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। इस भीख ने मेरे मुल्क के हालात कहाँ से कहाँ तक बदल कर रख दिए, क्या ये है इकबाल का पाकिस्तान? जनाब सदर, अफसोस सर अफसोस। अरे ये बात करते हैं इकबाल के ख्वाब की, तो ये जान ले कि इकबाल का ख्वाब था क्या? वो ख्वाब था कि एक ऐसी रियासत कायम की जाए कि जहाँ वो अदल इंसाफ हो, कि जहाँ की मशरिकी खातून मशरिक से निकलते सूरज की मानिंद रोशन मुस्तकबिल की जामिन हो। अरे ये बात करते हैं इकबाल के ख्वाब की, तो ये जान ले कि हमने तो गोरों की फेंकी हुई बोटी के बस अपने ही भाइयों की बोटी बोटी कर डाली, कि हमने तो अपने ही लोगों को मौत के घाट उतार कर उन्हें शहादत की फजीलत में लपेट दिया। तो सदर अली वकार अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, क्यों सिखाते हो इन्हें इंकलाब के रास्ते, क्यों सिखाते हो इन्हें इंकलाब के रास्ते, ये कमजोर हाथ बगावत नहीं करते, ये कमजोर हाथ बगावत नहीं करते, जिल्लत की दुनिया से निकल क्यों नहीं जाते, जिल्लत की दुनिया से निकल क्यों नहीं जाते, ये लोग भी क्या लोग हैं मर क्यों नहीं जाते, ये लोग भी क्या लोग हैं मर क्यों नहीं जाते। सदर अली वकार सोचिए, जरा सोचिए कि हम 22 करोड़ मुसलमानों की कौम ने इस इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान को क्या दिया? अरे हमारा पाकिस्तान प्यारा पाकिस्तान का नारा लगाने वालों, बताओ कि कातिल और मक्तूल में क्या फर्क रहा? कि 25 लाख मुहिब्बे वतन में तालीम का सवाल और जवाब चुप, कि बैंकों में पड़े मुल्क के अरबों डॉलर का सवाल और जवाब चुप। अरे मैं सवाल करती हूँ पाकिस्तान के उन नौजवानों से कि जिसे इकबाल ने अपना शाहीन कहा, कि जहाँ अब अफगानिस्तान में, कि जहाँ अब बर्मा में तुम्हारी माओ बहनों की इज्जत को तार-तार किया जा रहा है, तो करने दो, मगर तुम ज़हनो गुमान हटाते देखते रहो, क्योंकि तुम शाहीन इकबाल हो। इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी तो सुनहरा था, माजी तो सुनहरा था मगर हाल खो गया, माजी तो सुनहरा था मगर हाल खो गया। शुक्रिया।